है कानून को चुनौती देने वाले कुछ चुनिंदा लोगों की। हापुड़ पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार बदमाश से दो तमंचे और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार बदमाशों पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। बदमाशों ने सीआरपीएफ की वर्दी पहनी हुई थी। हापुड़ में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाशों ने सीआरपीएफ की वर्दी पहनी हुई थी। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से दो तमंचे और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों ही बदमाश सीआरपीएफ की वर्दी पहने हुए थे और बिना हेलमेट के और बिना नंबर प्लेट वाली बाइक पर जा रहे थे। बदमाशों को रुकने का इशारा किया गया लेकिन बदमाश नहीं रुके, जिसके बाद पुलिस ने दोनों ही बदमाशों का पीछा किया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में बदमाशों को घायल कर दिया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हापुड़ पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ का एक मामला सामने आया। मुठभेड़ में बदमाश को घायल कर दिया गया है। दो बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इंस्पेक्टर कोतवाली हापुड़ नगर को मुखबिर से सूचना मिली थी और ये उस दौरान एक गश्त में थे बाईपास पे कि निजामपुर के जंगल में रेलवे लाइन के पास में कुछ संदिग्ध बदमाश जा रहे हैं। उसमें से एक ने वर्दी पहन रखी है। इस सूचना पर इनकी टीम वहां से चली है, इनकी घेराबंदी की। तो घेराबंदी करने के उपरांत तो उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के उपरांत तो पुलिस ने भी अपने बचाव में फायरिंग किया, जिसमें से जो एक पुलिस की वर्दी पहने हुए था वो घायल हो गया। दूसरे को कुछ ही दूरी पर जा करके पुलिस वालों ने जान पर खेल कर उसे पकड़ लिया। जो वर्दी भी पहना था वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की वर्दी थी। उसकी नेम प्लेट जो थी उसमें मिश्री लाल मियाँ लिखा हुआ था। जो जानकारी प्राप्त हुई है ये जो है कई प्रांतों में इसने शहीद के परिजनों के साथ में ठगी किया है और एक ठगी का प्रकरण यहाँ पर भी जून महीने में दर्ज हुआ था, जिसमें जो शहीद हुए थे छत्तीसगढ़ में सोभित शर्मा, उनके परिजनों से 7 लाख इसने कहते हैं ठगी किया हुआ था। इसी प्रकार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा यूपी में झांसी तथा अन्य स्थानों पर इसने कई लाख किया हुआ। देखिए आज इंस्पेक्टर कोतवाली हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। कर्णवीर, पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, ये जो बदमाश है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड भी बताया जा रहा है, क्या बैकग्राउंड निकला है इनका? अर्जना, देखिए देर रात विजयनगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जो बदमाश मुठभेड़ के बाद पुलिस गिरफ्तार किया गया है, इस पर यह आरोप है कि इस पर कई तरह के संगीन मुकदमे दर्ज हैं। हत्या, लूट और डकैती के मुकदमे इस पर दर्ज हैं। कुछ दिन पहले विजयनगर इलाके में एक लूट हुई थी, उस लूट में ये वांछी चल रहा था और जिस कार को लूटा गया था उसी कार से ये विजयनगर इलाके में आया हुआ था। पुलिस को इनपुट था कि बदमाश अपने साथियों के सहित किसी दूसरी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहा है, लेकिन पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, तभी इसने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है जिसमें इसके गोली लगी है। फिलहाल पुलिस इस पर कितने मुकदमे, इन तमाम चीजों की जांच पड़ताल कर रही है। पिछले 6 घंटों में गाजियाबाद में 3 बदमाशों को गोली लगी है, 3 जगह मुठभेड़ हुई है। जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बदमाशों पर पुलिस भारी पड़ रही है, वहीं ऐसा भी लग रहा है कि बदमाश पुलिस के दबाव में आने का नाम नहीं ले रहे और घटनाएं किसी भी तरह से कम नहीं हो रही है। जी जी कर्णवीर, ये जो मुठभेड़ हुई है इस मुठभेड़ के बारे में विस्तार से जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए कल शाम गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में पुलिस को ये इनपुट था कि कुछ दिन पहले इस इलाके में कार लूट हुई थी और कार को लूट करके बदमाश भाग गए थे। गोली मारी गई थी जिससे कार लूटी गई थी, उसके बाद पुलिस इस बदमाश की खोजबीन कर रहे थे। पुलिस को इनपुट मिली कि लूटी हुई कार सहित कुछ बदमाश हैं जो विजयनगर के प्रताप विहार इलाके में एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। पुलिस वहां पहुंचती है और पुलिस के पहुंचते ही बदमाश जो है पुलिस पर गोली चला देते हैं। उसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और बदमाश को गोली मारी है, जिसके बाद उसके तमाम साथी जो है भाग जाते हैं। जो इनामी बदमाश है 25,000 का, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है,
फिलहाल अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। जी बिल्कुल, बदमाश से पूछताछ जारी है, घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। इनके कोई और साथी भी हैं, और साथियों का भी पता लग पाया है करणवीर? बिल्कुल, देखिए जो बदमाश पकड़ा गया है ये इनामी है और एक पूरा गैंग को संचालित करता है। दिल्ली NCR सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस गैंग के विरुद्ध कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या भी है, लूट है और रोबरी जैसे तमाम मामले हैं। पुलिस पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित NCR के तमाम थानों से इसके खिलाफ किस तरह के मुकदमे और कितने मुकदमे दर्ज हैं उन तमाम चीजों की डिटेल जो है खंगाल रहा है, अपने पास अपडेट ले रहा है। उसके बाद जो अन्य साथी हैं जो फरार हो गए थे उनकी भी धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए।